अब मारुति सुजुकी अभी इस हाल में है क्योंकि उसको इतने सालों में सबसे बिगेस्ट डाउनफॉल का सामना करना पड़ा है। तो मारुति सुजुकी इस डाउनफॉल से निकालने के लिए बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। उसने सभी अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को काम पे लगा के अपनी सारी मॉडल्स को रिवाइज करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने देखा है जो जो मॉडल कंपेरेटिवली अच्छी सेल कर रही है उन मॉडल को और अच्छे से मॉडिफाई करके एक नया नया वेरिएंट्स नया नया वर्जन निकालते रहो। उन्होंने देखा अर्टिगा काफ़ी अच्छी सेल कर रही थी, उन्होंने अर्टिगा बेस्ड एक्सेल 6 निकाल लिया, थोड़ी सी बड़ी कर दी और उन्होंने इसको नेक्सा डीलरशिप के थ्रू थोड़ा सा प्रीमियम सेल करने के लिए निकाल दिया। फिर वो देख रहे हैं कि और डिफरेंट जो छोटी मोटी सेगमेंट्स उन्होंने छोड़ के रखी है ना, कुछ एक दिन में एस्प्रेसो निकलने वाले हैं। अगर आपको एस्प्रेसो के बारे में नहीं पता, एस्प्रेसो एक बहुत अच्छी कार होने वाली है, तो उसका लिंक सब कुछ आई बटन में आपको मिल जाएगा। जाके आई बटन में क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी ऑफिशियल जो लीक इमेजेस है वो भी आ गई है। और उसके बाद अभी एक नई कार की फिर से टेस्टिंग फेज में हमें देखने को यहाँ पे मिल गया है, वो है वैगनआर बेस्ड एक न्यू कार। अब ये वैगनआर बेस्ड हम उसको स्टिंगरे भी बुला सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा है वैगनआर की जो स्टिंगरे आती थी वो वैगनआर बेस एक बहुत ही स्टाइलिश वेरिएंट होती थी और थोड़ी सी लुक्स में बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस एक रखती थी। तो यहाँ पे भी हम इस जो नई टेस्टिंग फेज में ये कार हमें देखने को मिली है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना, अगली अपडेट के लिए चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके साइड में घंटे का भी बटन दबा देना, नहीं तो अगली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगी। चलते हैं वीडियो में बढ़ते हैं, पहले बात करने वाले हैं हम लोग की ये वैगनआर स्टिंगरे में आपको क्या क्या चेंजेस इनिशियली देखने वाला है। देखिए अभी जो हमें नॉर्मल वैगनआर है उसमें हमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलता है, हमें नॉर्मल स्टील रिम्स वाले व्हील मिलते हैं जिसपे व्हील कैप लगा के आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टिंगरे रहेगा उसमें अलॉय व्हील्स रहेगा और वो भी बहुत ही ज्यादा स्पोर्टियर ब्लैक स्मोक अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा। हाँ डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं दिया जा रहा लेकिन ब्लैक स्मोक अलॉय व्हील्स दिया जाएगा, जो दूसरे स्पोर्टी वेरिएंट्स होते हैं ना इग्निस वगैरह इन सब में जो यूज होते हैं वही अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी जो इमेजेस हमें देखने को मिला है उसमें ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस हमें एक्सटीरियर में देखते हुए नहीं मिला है, वही वैगनआर का सिल्वेट यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने। और उम्मीद ये है कि जैसे एक्सेल 6 में किया था ना पीछे बूट पे भी वही ब्लैक की ट्रीटमेंट वगैरह, यही जो ट्रीटमेंट एक आध वो चेंजेस कर देंगे। सामने का अभी तक भी लीक्ड इमेजेस आया नहीं है लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे आपको LED DRLs वगैरह और ये सब जो एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको थोड़ी सी नई हेडलैम्प क्लस्टर भी प्रोवाइड की जाती है जैसे आपको XL 6 में प्रोवाइड की जाती थी वही प्रोवाइड की जाएगी आपको। थोड़ा सा प्रीमियम जो अपील है वो वैगनआर में आपको बढ़ाया जाएगा। इंटीरियर में भी सेम गेम आपको यहाँ पे खेला जाएगा। देखिए वही डैशबोर्ड लेआउट की हमें पूरी पूरी उम्मीदें हैं लेकिन थोड़ी सी आपको प्रीमियमनेस के लिए थोड़ा सा ब्लैक आउटफिट स्टिचिंग वगैरह चेंज करके मतलब थोड़ी सी प्रीमियमनेस लाएंगे, थोड़ी सी मटेरियल क्वालिटी में प्रीमियमनेस लाएंगे, थोड़ा सा आपको चेंज वे में फील होगा, कलर स्कीम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यही सभी है। और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चीज़ आपको यहाँ पे उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे वैगनआर वही सेम इंजन सेट्स के साथ आएगी और वही सेम ट्रांसमिशन सेट्स के साथ आएगी जो अभी प्रेजेंट वैगनआर में यूज़ होती है, कोई ऐसा मेजर चेंज यहाँ पे आपको देखते हुए नहीं मिलने वाला। हमें XL 6 में 50 मिलीमीटर लॉन्गर मिला था, अराउंड 50 मिलीमीटर शायद से लॉन्गर था XL 6, मतलब अर्टिगा से थोड़ी सी बड़ी थी XL 6। यहाँ पे भी वो हुड ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन अभी तक जो स्पाई इमेजेस हमें देखते हुए मिला है उसमें हमें ज़्यादा कोई ऐसी लेंथ में चेंजेस देखते हुए नहीं मिली है। मतलब ओवरऑल एक वैगनआर जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है उसमें अगर किसी को थोड़ी सी प्रीमियमनेस चाहिए उसके लिए वैगनआर की जो ये स्टिंगरे, शायद से अभी इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं दिया गया लेकिन वैगनआर की प्रीवियस जनरेशन से हमें ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये वैगनआर की स्टिंगरे हो सकती है। और अभी की जो नई ट्रेंड की तरह वैगनआर की स्टिंगरे भी मारुति की जो नेक्सा डीलरशिप है उसके थ्रू ही सेल होने की पूरी पूरी चांसेस है। अब ये देखना है कि इस नए वैगनआर में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं और क्या क्या फीचर्स भी एक्स्ट्रा अगर कुछ आती है तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्या इसकी प्राइसिंग रहती है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे भी रिवील होती रहेंगी। जब भी आगे रिवील होगा मैं आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुँचाता रहूँगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और
ये जो था हमें इनिशियली लगा था कि ये हो सकता है वैगनर की इलेक्ट्रिक वेरिएंट हो या वैगनर की सेवन सीटर हो। देखिए सेवन सीटर होता तो पीछे की थर्ड रो में थोड़ी सी ग्लास पैनल रहती, तो वो ग्लास पैनल हमें देखते हुए नहीं मिला था। और इलेक्ट्रिक वेरिएंट इसलिए नहीं था क्योंकि हमें वहां पे एग्जॉस्ट पाइप देखते हुए मिला था। अब एग्जॉस्ट पाइप तो इलेक्ट्रिक कार में होगी नहीं, तो मतलब कि ये वही वैगनर है जो नॉर्मली आप देखते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कैमोफ्लेज थी। मतलब एक नई वैगनर की आपको उम्मीद रखनी चाहिए इन द कमिंग मंथ्स। यही जो था हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन था एज ऑफ नाउ ऑफ वैगनर की जो नई मॉडल आने वाली है, होपफुली वैगनर स्टिंग्रे। तो जब भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।